चलिए अब विस्तार से समझें ई गवर्नेंस की ओर उठाए गए भारत सरकार के विभिन्न कदम और योजनाओं को। डॉट भारत और ई भाषा। भारत अनेक भाषाओं का देश है। सरकार देशवासियों से उनकी अपनी भाषा में बात करे, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की अनोखी पहल है डॉट भारत और ई भाषा। अब देशवासी अपनी मातृभाषा में इंटरनेट पर से उचित सूचनाएं और जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल लॉकर। प्रमाण पत्रों और सरकारी कागजातों का पुलिंदा लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना बीते कल की बात होगी। आज जमाना डिजिटल है और इसलिए सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि अब प्रत्येक नागरिक को एक सुरक्षित डिजिटल लॉकर दिया जाएगा। इस डिजिटल लॉकर में वो अपनी मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, अन्य सभी प्रमाण पत्र सुरक्षित रख सकते हैं। ये सभी डिजिटल प्रमाण पत्र सत्यापित होंगे और सभी सरकारी विभागों में मान्य होंगे। सरकार दिल्ली में न हो, सरकार रांची में न हो, सरकार हिंदुस्तान के नागरिक की हथेली में हो, ये काम है डिजिटल इंडिया का। मोबाइल सेवा। आज जन जन के पास मोबाइल है, इसीलिए सरकार ने भी देश की प्रगति को मोबाइल से जोड़ने की जिम्मेदारी ली है। मोबाइल सेवा के तहत सरकार और उसके विभागों की सभी सुविधाएं और जानकारियां देशवासियों को उनके मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। MyGov। देश बनता है देशवासियों से। देश की प्रगति को देशवासियों से जोड़ने के लिए सरकार ने MyGov का मंच बनाया है। विश्व की सबसे बड़ी और अनूठी पहल के जरिए देशवासी खुद सुझाएंगे कि वो कैसे देश के काम आ सकते हैं। नए विचार, अनूठे सुझाव, नई तकनीकों से देशवासी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं।